अमरावती शहर में ये एक हेरिटेज बंगला है। 100-125 साल पुराना यह बंगला बहुत ही सुंदर है। 1905 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1913 में ये बन के पूरा हुआ। फ्रेंच आर्किटेक्चर की इसमें झलक है। एक बैनर्जी करके कोई आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन बनवाया था और तब से लेकर आज तक भी कोई छोटा मोटा रिनोवेशन छोड़कर यह बंगला उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में इस परिवार ने मेंटेन किया है। चलो इस बंगले की पूरी सैर करते हैं। यह महलनुमा सुंदर बंगला इतने सालों के बाद भी आज भी उसी शान से, उसी मजबूती के साथ खड़ा है। बहुत ही सुंदर बंगला आपको दिखाई दे रहा है। वास्तुकला का बहुत ही सुंदर नमूना है। ये पूरी तरह से ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन किया है। ऐसी वास्तुकला तो आने वाले सालों में देखने को भी नहीं मिलेगी। प्रमुख प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। बिल्कुल ये हवेली पुराने जमाने की याद दिलाएगी आपको। ये एक विंटेज कार दिख रही है, पता नहीं कौन सी कार है। अभी हम मिलेंगे इस बंगले के मालिक श्री जयसिंह देशमुख से और उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्या इस बंगले का इतिहास है। ये जी बताइए। बैरिस्टर रामराव देशमुख के फादर ने बनाया, माधवराव देशमुख ने। ये क्योंकि बैरिस्टर रामराव देशमुख वो जब इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे तो वापस आएंगे तो उनके लिए ये बंगला बनाया था उनके फादर ने, माधवराव देशमुख ने। तो ये अब इसको 100 साल के ऊपर हो गए हैं। पुरानी शैली से बने दरवाजे, खिड़कियाँ, सागवान की लकड़ी से बना फर्नीचर आज भी पूरी तरह से मेंटेन्ड है। ये बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना। एक एक रूम को पेंट करना बोले तो एक घर के पेंट करने का वैसा है। इतना बड़ा ये इधर रहते हम करके ये मेंटेन हो रहा है। अगर हम यहाँ रहते नहीं थे तो मेंटेन नहीं होता था ये इतना बड़ा बंगला। परिसर 125 एकड़ का है।
कॉर्नर लाइक कर रहा पूरा का पूरा बंगले के भीतर उसमें बैठ उसमें है ये हमारे माधवराव जिन्होंने ये बंगला बनाया उस टाइम पे हमारा तो अभी पिताजी का इंटरेस्ट है ये पहले से ग्रैंडफादर के टाइम पे चुने का सब पेंटिंग था लेकिन अभी सब मॉडर्नाइजेशन में अभी वो सब डिस्टेम्पर अभी आ गया पिताजी ने बहुत उसको अच्छे से मेंटेन किया हाँ वैसे फर्नीचर भी जो नहीं है उसको हमने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं जमाने में जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे है उसको ही हम मेंटेन करते हैं बाकी का सब वैसा फ्लोरिंग भी देखो आप तो वैसी ये है अपनी शाहबाद स्टोन की है बस वैसे है उसमें कोई हमने चेंजेस नहीं बनाया सिर्फ थोड़े बालकनीज को हमने रिनोवेट किया हुआ है जो बालकनीज थोड़े झुक गए थे उनको हमने फिर से रिस्टोर किया है बाकी का तो अच्छा है कार भी हमने देखी यहाँ पर वो कौन सी कार है स्टैंडर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हेरल्ड अच्छा कब का मॉडल है 1962 का है वो हमारे ग्रैंडफादर के भाई की है अच्छा कृष्णराव जो जो जज थे उनकी है ये तस्वीर शशि कुमार जी बाला साहब देशमुख और उनकी धर्मपत्नी की है श्री जी बाबू रहते हैं हाँ हाँ वकील साहब हाँ हाँ ये सगळे हे दोघांचे वडील बहादूर राव ये किसी हवेली बाड़े में चौक करके जो एरिया रहता है उस चौक का ये इलाका है ये इस परिवार की दरियापुर में जो पुश्तैनी हवेली थी उसकी तस्वीर है आपके जो दादा थे बैरिस्टर रामराव देशमुख उनके बारे में कुछ बताइए हमने जब देखा तब वो पॉलिटिकल लाइफ में थे उनका कोऑपरेटिव लाइफ हमने वो राजा महाराजा का लाइफ देखा नहीं उनका लेकिन जब वो अमरावती में रहते थे तो उनका पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर में जैसा अमरावती का स्पिनिंग मिल है उनके टाइम का बना हुआ है अमरावती का ये सहकार भवन उनके टाइम का है अमरावती का जो खरीदी बिक्री है अमरावती की जो जिनिंग प्रेसिंग है फिर अमरावती का जो खत कारखाना है ये सब वो और भावसर भोकरे दोनों थे तो उस टाइम पे वो कोऑपरेटिव में बहुत सक्रिय थे तो वो हमने उनकी वो लाइफ देखी है